ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के दो दिन बाद ही उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस बात की जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए और काफिले पर भी पथराव किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में सिंधिया की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी तरह से जान बचा कर निकले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिंधिया पर हुए जानलेवा हमले की जांच की मांग करती है। शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है और अराजकता फैली हुई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि क्या राज्य में सत्ता खोने से बौखलाई सरकार सिंधिया पर जानलेवा हमला करवा रही थी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया पर हुए हमले की निंदा की और पुलिस प्रशासन से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बुधवार को वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। न्यूज़ डेस्क।